हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक MI1 में एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा जो कि आपको इस एप्लीकेशन जब यूज करोगे तो आप सोचोगे क्या यार कमाल का एप्लीकेशन के बारे में बताया भाई ने। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन का नाम है VMSwipe। ये VMSwipe को आप इंस्टॉल कर लेना है आपके फ़ोन के अंदर, ये फ्री है। तो इसके अंदर इनेबल VMSwipe को ऑन कर दीजिए। तो आपका सबसे पहला जो सेटिंग है, यहाँ पे ब्यूटीफाई को ऑन करते हो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो चारों तरफ का कोना जो है, ये कॉर्नर ऑटोमेटिक कर्व हो जाता है। तो कितना बढ़िया है ना, यहाँ हटाओ देखो ये। तो जब हम इसको ऑन किए तो यहाँ पे कॉर्व आ जाता है। तो ये काफ़ी मज़ेदार है। इसको करने के बाद मेक ट्रांसपेरेंट, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ पे मेक ट्रांसपेरेंट आ जाता है। वाइब्रेशन ऑन साइड बार, जो साइड बार है ये वाइब्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऑन किए तो हाइड साइड बार को हटा सकते हो, यहाँ पे जो साइड पे दिख रहा है ये हट जाएगा। तो यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो, आप जिस टाइप का थीम रखना चाहते हो, यानी कि इसको ऑन करोगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हाइट वगैरह दे रखा है, यानी कि अलाइन योर स्वाइप कौन सी तरफ, लेफ्ट या राइट। तो मुझे राइट में ही ठीक है क्योंकि आप यहाँ पे राइट साइड से वार कर सकते हो। और चेंज बार पोजीशन को छोटा बड़ा कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हो कौन सी जगह आपको रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं आपको लेफ्ट राइट करता हूँ तो ये बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अब सेटिंग फिक्स हो गया। यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको एक बार सेटिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया और यहाँ पे सेटिंग्स आ गया। सबसे पहले आपको जो भी देखना है वो देखना है। तो ये सेटिंग करने के बाद एक बार बैक कर जाइए। बैक करने के बाद आपको ये लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे शो कर रहा है एक साइड बार, तो इसको हल्के से यहाँ लेफ्ट क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपका सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो कि आपका यानी कि नोटिफिकेशन बार में शो करता है। तो यहाँ पर आपको डबल स्वाइप करके इसको करने से बेहतर है आप यूज करते करते लेफ्ट स्वाइप करिए तो आपको सारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फ्लैश लाइट टॉर्च ऑन हो गया, ठीक है, वाईफाई ऑन हो गया, ब्राइटनेस यहीं पे आप कम बढ़ती कर सकते हो। और यहाँ से आप ऑटो रोटेट मोड को सेटिंग कर सकते हो A to Z। जो भी सेटअप सब आप उसके थ्रू कर सकते थे, अब ये VMSwipe से कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया है, आप अपने MI1 फ़ोन के अंदर और इसको यूज़ करके काफ़ी बहुत टाइम बचा सकते हो। और इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये खाली ये नहीं है, यानी कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप ये सेटिंग्स मेनू शो कर जाएगा, वो नहीं है। आपको इसके अंदर एक बार स्वाइप करेंगे सेटिंग मेनू, फिर दूसरे स्वाइप करेंगे आपका डेडिकेटेड फेवरेट एप्लीकेशन भी सेट कर सकते हो। हाँ जी, इसके अंदर देखिए आपके डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हो, यानी कि सेट कर सकते हो। इसके अंदर यूट्यूब, गूगल प्ले, जो भी आपको स्टार्टिंग से ज़रूरत है। रिसेंट फाइल में जैसे मैं यहाँ पे ऑन किया तो मैं कैमरा को ले आया, यहाँ पे ओके कर दीजिए, कैमरा आ गया। तो मुझे यहाँ पे कैलेंडर चाहिए, ओके कर दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए डायल, ओके कर दिया। तो मैं अगर चाहूँ मेरे डेस्कटॉप पे सब कुछ यहाँ से गायब करके तो सिर्फ उसी के रखूँ, तो स्वाइप करूँ, डायल करूँ, बस ये बड़ा सिंपल सा है। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार है ये एप्लीकेशन, इसको ज़रूर यूज करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको एक बार ट्राई तो ज़रूर करना MI1 फ़ोन में। बस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार कमेंट जरूर करिए तो वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।